फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे, तारीख है 19 जून और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बस अभी मतलब मेरा मन नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, जब सारी चीज़ें अब ब्लॉग बना रहे हैं, सब कुछ शेयर हो रहा है तो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। कुछ अच्छी चीज़ें शेयर की हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर करनी चाहिए। बेसिकली वैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम छोटी नहीं होती है। तो आज मेरा हुआ है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मुझे उम्मीद थी। अभी जो मेरा 3 महीने पहले जो मेरा पूरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था जितना जैसे होना चाहिए, ब्लड शुगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। बट इसमें कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, कुछ चीज़ें घटी हैं और मुझे डिटेल भी नहीं पता है कि क्या चीज़ कितना हार्म करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होते, आप केवल उनको देख के समझ सकते हो कि हाँ सही नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चलता ना कितना है कैसे है। इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊँगी, इसी ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा जहाँ तक है। अगर मैं कोशिश करूँगी तो इसी ब्लॉग में बता दूँगी, तो अगले ब्लॉग में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे कल जाना है डॉक्टर के पास, 20 तारीख को है मंडे को, कल मेरी डॉक्टर विजिट होगी, कल शाम को मुझे डॉक्टर के पास जाना है और उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है और उसके बाद वो मेरी रिपोर्ट्स देख के क्या बोलती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उन्होंने क्या बोला है और मुझे बेसिकली क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाने के बाद ही समझ में आएगा, ऐसे तो अभी नहीं समझ में आने वाला है। तो ये वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रेगनेंट होंगे और शायद उन्हें इस प्रॉब्लम से का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम आई है, ये जो टेस्ट हुए हैं लगभग सबके ही होते हैं, बहुत कॉमन से टेस्ट हैं। तो अभी अगर आपको रिपोर्ट्स भगवान अगर ऐसा आया जैसा मेरे साथ, मतलब जैसी रिपोर्ट्स मिली है ऐसा मैं ये नहीं कह रही किसी के साथ ऐसा आया, लेकिन अगर आता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप लोग को पहले से ही पता चल जाएगा। तो मैं कल जाऊँगी डॉक्टर के पास, उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊँगी और कुछ चीज़ें मुझे अपने रूटीन में, मतलब जो जितना मुझे समझ में आया मुझे अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। मायके में आपके मेरा रूटीन काफ़ी चेंज हो गया था, मुझे ससुराल में रूटीन अलग होता है, सभी के साथ होता है मगर मैके ससुराल में, तो यहाँ पे मुझे अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ चीज़ें शामिल करनी है और कुछ चीज़ें छोड़नी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग में, मैंने अपना रूटीन कैसे चेंज किया है, कैसे क्या किया है। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है, डॉक्टर क्या बोलती हैं, वो क्या प्रिस्क्राइब करती हैं, वो किन चीज़ों को कहती हैं करने के लिए, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस कर पाऊँगी। क्योंकि अब डिलीवरी में भी ज़्यादा समय बचा नहीं है, हार्डली 1 मंथ बचा है, मतलब मेरा जो 9 मंथ वो स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट, इसी वीक से मेरा 9 मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। और मेरा मतलब अभी 2-1 दिन में मेरा 35 वीक्स स्टार्ट हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि 9 मंथ बस जस्ट लगने ही वाला है। तो अब देखते हैं, और मतलब 35 वीक्स स्टार्ट होगा और 37 वीक के बाद, आप डॉक्टर्स बोलते हैं कि 37 वीक्स के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो वो चीज़ भी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी डॉक्टर मुझे क्या सलाह देती हैं क्या नहीं देती हैं, ये सब चीज़ें आप लोग सब मैं जरूर शेयर करूँगी। ये वाला जो ब्लॉग है इसे प्लीज़ पूरा देखिएगा, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशल इन द सेंस बहुत जानकारी वाला होने वाला है। तो अभी मैं रखती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, और फिर कल मैं जब जाऊँगी डॉक्टर के पास तो आप लोगों से बताऊँगी। ये ब्लॉग हार्डली आपको ट्यूजडे को मिलेगा जहाँ तक जाके, क्योंकि मंडे को मतलब कल 20 तारीख को मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी शाम के समय, तो वहाँ से आने के बाद मैं फिर ब्लॉग पे एडिट करूँगी, तो शायद रात में आना तो मुश्किल है, ट्यूजडे आ पाएगा 21 तारीख को। तो कोशिश होगी मेरी 21 तारीख में अपलोड कर दूँ, मैं बहुत लेट ब्लॉग नहीं अपलोड करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग अपलोड करूँ वो करेंट के हों, 1 या 2 दिन पुराने ही हों, ज़्यादा पुराने ना हों। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, और अपना ख्याल रखिए और मैं फिर बताती हूँ आप लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आज ही मंडे का दिन है और अद्वी की मौसी ने अद्वी के लिए सरप्राइज़ पिज्ज़ा भेजा था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, क्यों नहीं खाया ये इसका रीज़न आपको अलग आगे पता चल जाएगा।
दो आध वीक नहीं खाया और उसके बाद उसने बहुत इन्जॉय किया ये देखिए। और हम लोग तो मतलब मैं तो इस समय बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा रिपोर्ट सही नहीं आई है, मुझे ब्लड शुगर आ गया है, मैंने डिटेल में बताया है इसी ब्लॉग में, आप लोग प्लीज़ ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। और ये अद्वी की मौसी ने अद्वी के लिए भेजा था, तो जब ये ब्लॉग पूरा देखिएगा आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स आज है 20 जून और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और अभी 1 घंटे में मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मैं अभी तैयार होंगी। और मैंने बस आज जैसे ही गाउन डाल लिया था, हालांकि मुझे गाउन पहन के वीडियो या ब्लॉग बनाना नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कल से वीडियो स्टार्ट कर दिया था तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और जो कल मेरी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पे ही डिस्कशन होगा आज डॉक्टर क्या बोलती है। मतलब एक तो रेगुलर विजिट का तो था ही मेरा, मैं 3 तारीख को गई थी, उसके बाद डॉक्टर ने 15 दिन बाद बुलाया था ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के, तो वो ब्लड टेस्ट मेरा हो गया है जिसमें रिपोर्ट कुछ अच्छी, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सलूशन है डॉक्टर ही बताएंगी, तो अभी से मैं मतलब वहाँ से डॉक्टर से एक बार मिल के आ जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोग को इसी ब्लॉग में बता दूँगी कि क्या प्रॉब्लम है और उसका डॉक्टर ने क्या सलूशन निकाला है। और जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, मतलब जो समझ में आ रहा है, वो प्रॉब्लम अभी तक मैंने सुना ही नहीं है ना किसी का, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्या होता है देखते हैं। तो बस मैं भी यहाँ बाहर आकर थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी। मौसम यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, आप लोग बताइएगा आप लोग के शहर में क्या हो रहा है। मौसम बनता है, धूप हो जाती है, फिर बनता है, फिर धूप हो जाती है, ऐसे ही चल रहा है। और अभी अद्वी ट्यूशन गया हुआ है, मतलब मेरी मम्मी यानी अद्वी की नानी अद्वी को लेने गई हैं ट्यूशन से, वो बस अभी लेकर आएंगी और उसके बाद हम तैयार होंगे, मम्मी के साथ ही जाएंगे जहाँ तक है, या तो मम्मी के साथ जाएंगे या तो पापा के साथ जाएंगे, देखते हैं किसके साथ जाते हैं, क्योंकि तो मम्मी को भी थोड़ा सा कोल्ड होल्ड हो रखा है, तो दिक्कत मतलब उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि हमारी डॉक्टर बहुत पास में बैठती हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमें, फिर देखते हैं कैसे करते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे डॉक्टर के यहाँ से लौट के आने के बाद, और आप लोग साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। और आप लोगों से भी मैं पूछूंगी अगर आप लोगों ने ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम का जो मुझे बता रहे हैं, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है भी उसका क्या सलूशन हो सकता है। तब तक बने रहिए मेरा ब्लॉग के साथ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स यहाँ पर अद्वी देखिए नानी के साथ आ गया है अपना ट्यूशन से, और ये मैंने ऊपर से ही सूट किया था इसलिए बहुत अच्छे से नहीं सूट हो पाया है, और इसके बाद मैं तैयार होने जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए और बस मैं निकलने ही वाली हूँ, मम्मी रेडी हो रही हैं और शाम के 6:30 बज चुके हैं, मतलब 6:30 हो गया। मैंने जैसे आपके अपने को बताया था कि 1 घंटे में मुझे निकलना है, 10 मिनट का रास्ता है बस, मुझे वहीं जाना है। और आज मेरे दांत में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, तो मुझसे ना बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो बस अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, उनसे मिलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाय फ्रेंड्स, और आज है 21 जून और आज मैं फाइनली आप लोगों से, मतलब अब इस समय मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाली हूँ अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, डॉक्टर ने क्या कहा इस बारे में। तो चलिए बता देते हैं कि जी किस वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान थी क्या, मतलब अभी भी थोड़ी बहुत तो परेशानी है ही। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी रिपोर्ट में गड़बड़ आई है वो है मेरा ब्लड शुगर। मेरा जो ब्लड शुगर है वो थोड़ा सा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब जो रेशियो होना चाहिए उस रेशियो से थोड़ा सा हाई है। तो प्रेगनेंसी में तो ब्लड शुगर का बढ़ना मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, डॉक्टर्स बिल्कुल ही अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि मतलब ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए, मतलब शुगर वैसे कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ये, ऐसा मेरे डॉक्टर ने बताया है। मेरा हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब आमतौर पर जितना रेशियो होना चाहिए उस रेशियो से हल्का सा ज़्यादा है, पॉइंट्स में ज़्यादा है, वो भी एक चिंता का विषय था। और मेरा जो ब्लड ग्लूकोज है वो यूरिन में भी बढ़ा हुआ है, मतलब शुगर उसमें ब्लड में बढ़ा है तो यूरिन में भी बढ़ा हुआ था, ये जो तीनों चारों चीज़ें मिल के ना एकदम से टेंशन क्रिएट हो गई थी। तो मैं कल जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मतलब देखते ही रिपोर्ट बोल दिया कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं है
और आप तुरंत जाकर किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाइए। तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया एक फिजिशियन को और मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कुछ दिन की दवाइयाँ दी हैं और उसके बाद उन्होंने स्ट्रिक्टली डाइटिंग बोल दी है कि आपको मीठा कुछ भी नहीं खाना, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करना है और उसके बाद आपको 5 दिन डाइट करना है, दवाइयाँ खानी है और उसके बाद से आपको दोबारा से ब्लड शुगर का टेस्ट करवाना है, फास्टिंग और पीपी दोनों। ये मुझे करवाना है 5 दिन के बाद, मतलब मैंने संडे करवाया था, मंडे को दिखाया डॉक्टर को, मतलब कल मंडे था तो कल दिखाया डॉक्टर को। अब मुझे दवाई खानी है 5 दिन की और उसके बाद मतलब पूरा डाइटिंग भी मेंटेन करना है, पूरा डाइट मेंटेन करना है, बहुत ही स्ट्रिक्टली डाइट मेंटेन करना है। मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ ये सब चीज़ें डॉक्टर ने बताई मुझे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और उसके बाद मुझे फिर से अपना टेस्ट कराना है शुगर का, क्योंकि मेरा 35 वीक स्टार्ट हो चुका है आज से। तो अब आप ये समझ लीजिए कि डिलीवरी के लिए बहुत कम समय बचा है, कुछ ही दिनों में मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइम पे शुगर का बढ़ना बहुत ज़्यादा मतलब एक हार्मफुल माना जाता है। और तो ये एक चिंता की बात थी, तो इसकी वजह से मैं बहुत मतलब कल पूरा दिन टेंशन में बीता है। कल मैं डॉक्टर को दिखाने गई, फिर दो दो डॉक्टर विजिट हुई, पहले मैं अपने गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाने गई, उसके बाद उन्होंने मुझे तुरंत ही भेजा, मतलब उन्होंने तुरंत बोला कि अभी आपको लेट करना ही नहीं है, तुरंत आपको फिजिशियन के पास जाना है। मैं फिर फिजिशियन के पास गई, उनको दिखाया तो लेट हो गया, रात में लौटने में काफ़ी टाइम लग गया, तो मैंने रात में कोई वीडियो नहीं बनाया और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ये कि चलो ब्लॉग कम्प्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का रीज़न ये नहीं है कि आप लोग को डराना या मतलब ये कि किसी प्रेग्नेंट महिलाओं को टेंशन देना, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है किसी भी गर्भवती महिला के साथ तो उसको क्योर किया जा सकता है समय रहते, और डॉक्टर ने बोला है सबसे अच्छा तरीका है क्योर करने का कि आप अपनी डाइट को मेंटेन कर लो, अगर डाइट मेंटेन हो जाएगी तो आपका शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, दवाइयों से ज़्यादा डाइट से कंट्रोल हो सकता है। मैं अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ और आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना बदला हुआ रूटीन कि मैं किन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्या खाना खा रही हूँ, क्या डाइट ले रही हूँ, कैसा पूरा दिन मेरा जाता है और 5 दिन के बाद क्या रिजल्ट इसका आता है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरा रूटीन देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और बाकी लोगों को हेल्प मिलेगी कि कैसे क्या डाइट चार्ट में फॉलो कर रही हूँ। तो चलिए अभी ये वीडियो का एंड करते हैं और आप लोग मुझे अपने कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई इस समस्या से जूझ चुका है या इस समस्या को किसी ने सामना किया है तो आप लोग अपने सुझाव भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।